ये जो वाइसर है या जो लीक होता है कभी कभी गैस आपका नॉब जो लगाने के बाद में आवाज आता है गैस निकलने का, तो उसमें एक प्रॉब्लम हो सकता है, तो रेगुलेटर का फॉल्ट हो सकता है, या तो यहाँ पर जो वाइसर है ये देखिएगा अंदर में वाइसर है, यहाँ वाइसर जो काला वाला देखिएगा, यहाँ काला वाला वाइसर है, यहाँ यहाँ देखिएगा ये काला वाला वाइसर, यहाँ प्रॉपरली ऐसा फिट है यहाँ वाइसर, ये यहाँ खाच है, यहाँ पर खाच है यहाँ बनी हुई। अब ये अगर से कमजोर रहा या इसमें डैमेज रहा तो गैस निकलने के चांसेस कब रहते हैं, जब आप रेगुलेटर चालू करते हैं तब। तो इसे किस प्रकार निकालना है, इस प्रकार की सुई कोई भी लेने का, सुई इस प्रकार की जो कपड़ा सीने की सुई बड़ी वाली लेने का, उसे देखिएगा एक ऐसा टोचने का, और इसको टोचने के बाद में ऐसा एक स्क्रू ड्राइवर वगैरह लेने का या तो तार वगैरह, ये देखो इस प्रकार इसे उलाने का थोड़ा, ये देखो ये देखिएगा ये टाचनी से या तो सुई से मोटी सुई लेने का, ये जरा पतली सुई है, फिर इसके बाद में इस दर से इसे डालने का, इसको डालने के बाद में ये सुई जो है ये कमजोर है, इससे मोटी वाली सुई लेने का दोस्तों इस प्रकार, और इसके इसमें डालने का ऐसा गैप में, ये देखिएगा, और इसके बाद में ऐसा उला के इसे ऐसा करके ये देखिएगा, ये देखिएगा इस प्रकार इसे खींचने का, ये देखिएगा इस प्रकार ये वाइसर निकल गया दोस्तों, यहाँ है वाइसर दोस्तों। तो ये टच, ये जो सुई है ये बड़ी साइज की लेने का, थोड़ी मोटी, और इस प्रकार का ये स्क्रू ड्राइवर भी लेने का है, जिसको उसके किनार में डाल के इसे निकाल लेने का। अब ये इसमें खाच रहती है देखिएगा, ये ग्रू है, ग्रू ये ग्रू है, ये यहाँ ग्रू है, ये ग्रू यहाँ फिट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिएगा अंदर में ये ग्रू है, इसके अंदर देखिएगा ये अंदर ग्रू है, ये बनी हुई ग्रू है, ये यहाँ पर फिट हो जाता है। और क्या होता है जब आपका नॉब चालू करते हैं तो वो ये इंटीरियर जो नॉब है, ये देखिएगा ये नॉब, ये नॉब, ये नॉब है, इसको आपका नॉब टोचता है, ये यहाँ पर एक नॉब है, ये पॉइंट है, उस पॉइंट को तुम्हारा रेगुलेटर का पॉइंट चालू करने के बाद उसको टोचता है, वो नीचे दबता है, वहां से गैस निकलती है, गैस निकलती है तो उसमें क्या होता है, ये जो है वाइसर ये वो साइड से निकलने नहीं देता गैस को, और सीधा रेगुलेटर से गैस निकलती है, और लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम रहा है, कटा वटा रहा, तो यहाँ से गैस निकलने के चांसेस रहते हैं, और आपका रेगुलेटर के बाजू से इस प्रकार का आवाज आता है। अब ये निकाल लिए हमने, और दूसरा वाइसर दूसरे हंडे से निकालने का, ये समझो यहाँ का खराब वाइसर है कंसिडर करो, और तो क्या करने का, इसको फेंक देने का, और फिर दूसरे खाली रेगुलेटर से इस प्रकार जैसे हमने निकाला उस प्रकार वाइसर निकालने का। जैसे मेरे पास ये एक वाइसर ऑलरेडी ये निकाला हुआ है, ऑलरेडी निकाला हुआ है, मैं उसको ये फिर से जो अच्छा, तो अभी देखो ये ठीक वाला है, वो भी ठीक था, लेकिन मेरे को निकाल के फिर अब इसे फिट करने का, ऐसा एकदम जाएगा नहीं है देखिएगा, ऐसा ढकलो के जाएगा नहीं, तो इसे क्या करने का, ऐसा टेढ़ा करके प्रेशर करने का, ऐसा थोड़ा ऐसा टेढ़ा करके ऐसा यहाँ रखने का, और रखने के बाद में इसे थोड़ा ऐसा करके प्रेशर करके यहाँ डालने का, ऐसा ऐसा टेढ़ा करके देखेगा, इधर एक तरफ ये करके इस प्रकार ढकलने का, इसे ऐसा थोड़ा इस प्रकार प्रेशर करके देखेगा, ये इस प्रकार प्रेशर करके इधर से ढकलने का, ऐसा टाइट टाइटली ऐसा, ये देखिएगा इधर में एक तरफ कर दिया मैंने, इधर में ऐसे इस प्रकार ऐसे ढकलते ढकलते जाने का, ये ऐसा ये देखो दबाते दबाते ये ऐसा, और इसके बाद में ये ऐसा, अब ये घुस गया तो ये देखिएगा इसको ऐसे दबाने का, ये ऐसे दबाने का, ये इस प्रकार दबाने का, और ये उंगली से क्या देखो ये इस प्रकार ये बराबर इसको ऐसा जो है खाचा उसमें यहाँ बैठ जाना चाहिए दोस्तों, यहाँ देखिएगा, और ऐसी ऐसी कर देने का इसको, ये देखिएगा अब हो गया, ये फिट हो गया दोस्तों, देखिएगा उंगली डाल दीजिएगा या तो कोई ऐसा पोर्शन, ये तो इस प्रकार इसे वो खाचे में बैठ जाता है, ये बैठ जाता है ये खाचे में, ये देखिएगा एक ऐसा कर देने का, इसे यहाँ फिट हो गया है। तो दोस्तों इस प्रकार फिर लगा के देखने का, और फिर आवाज़ शू शू नहीं गई समझ लेना, ये प्रॉब्लम था करके। तो इस प्रकार आपके अगर गैस लीक हो रही समझे, यहाँ से रेगुलेटर चालू करने के बाद में यहाँ से नॉब से अगर से गैस निकल रही है और आवाज़ आ रही है, तो समझ लेना है रेगुलेटर का ये इसका यानी वाल का प्रॉब्लम है, ये वाल फिट करने का। और इसके बावजूद अगर नहीं हो रहा है कंसिडर करो, तो समझ लेने का रेगुलेटर में प्रॉब्लम है।